तो हाय गाइस, HP Omen 15 इस लैपटॉप के बारे में ना मैंने आपको पिछले हफ्ते ही बता दिया था कि ये लॉन्च होने वाला है, जब किसी भी वेबसाइट पे इसकी लीक नहीं थी कि इंडिया में आएगा या नहीं आएगा। और वही बात हुई ना, एक हफ्ते बाद आ गई खबर, HP Omen 15 जो है वो स्पॉट हो चुका है और इंडिया में बहुत ही ज्यादा जल्दी लॉन्च होने जा रहा है। कौन कौन से प्रोसेसर के ऑप्शन अवेलेबल होंगे और कौन कौन से ग्राफिक्स कार्ड के ऑप्शन अवेलेबल होंगे, तो इसके बारे में आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। और अगर आप लोगों ने तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा हुआ है तो 600 सब्सक्राइबर रह गए हमारे और करवा दो फटाफट से, 2000 पूरे हो जाएंगे, क्यों नहीं कराते तुम। और अगर आप लोगों ने कर लिया है तो चलो फिर बिना टाइम वेस्ट करे शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं इस वाले लैपटॉप के डिजाइन के बारे में। डिजाइन जो है बिल्कुल भी चेंज करने की जरूरत नहीं है और होगा भी नहीं डिजाइन चेंज, क्योंकि पिछले साल ही जो है एकदम रिन्यू होकर आया था डिजाइन, और राइजन 4000 सीरीज के हिसाब से ही जो है इसका डिजाइन बनाया गया था। और इसलिए ये वाला जो लैपटॉप है ये वन ऑफ द बेस्ट थर्मल एफिशिएंट लैपटॉप भी रहा था 2020 का। और जो राइजन 5000 सीरीज में TDP और सॉकेट यूज करे गए हैं वो पिछले साल वाले के हैं, तो डिजाइन वैसे चेंज नहीं होगा और मेरे हिसाब से बिल्कुल सही करा, वो डिजाइन चेंज करने की जरूरत भी नहीं है। RGB कीबोर्ड है, कूलिंग सिस्टम बढ़िया है और प्रोफेशनल लुक के साथ आता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। प्रोसेसर के बारे में अगर हम लोग बात करें तो हमें 6 कोर 12 थ्रेड वाला राइजन 5 5600H मिलेगा, 8 कोर और 16 थ्रेड वाला यहाँ पर हमें राइजन 7 5800H मिलेगा, i5 11th जनरेशन भी मिलेगा 4 कोर और 8 थ्रेड वाला। i7 11th जनरेशन के बारे में कुछ कन्फर्मेशन नहीं है, आ भी सकता है नहीं भी आ सकता। ग्राफिक्स कार्ड के बारे में हम लोग बात करें तो सरप्राइजिंगली हम लोगों को RTX 3060 मिलता है, ना RTX 3070 का कोई ऑप्शन है और ना ही RTX 3080 का कोई ऑप्शन है। वैसे राइजन 7 5800S जो है वो कैपेबल है कि वो RTX 3060 और 3070 को हैंडल कर ले, लेकिन जो HP Omen है वो कुछ 1 लाख के आसपास ही जो है लैपटॉप अपने लॉन्च करती है, 1.5 लाख के आसपास नहीं लॉन्च करती ज्यादातर, इसलिए शायद HP ने इतने ज्यादा बड़े ग्राफिक्स कार्ड को अपने लैपटॉप में यूज नहीं करा है। ऑब्वियसली यार हीट भी ज्यादा हो जाएंगे ना फिर, तो कोई करने का फायदा नहीं है। और बजट गेमर्स के लिए खुशी की बात यह है कि NVIDIA की तरफ से बीच बीच में ना लीक निकल रही है कि जुलाई से पहले यानी कि Q2 के खत्म होने से पहले हम लोगों को RTX 3050 जो है लॉन्च होते हुए दिख जाएगा NVIDIA की तरफ से। और ये भी कहा जा रहा है कि HP Omen सीरीज जो है वो NVIDIA के RTX 3050 के लॉन्च करने के ठीक 1-2 हफ्ते बाद लॉन्च हो जाएगा। तो इसका मतलब समझे दया, इसका मतलब ये है कि RTX 3050 इसके अंदर HP Omen 15 के अंदर हम लोगों को मिल सकता है। बाकी लीक के हिसाब से देखें तो हमें ये जो लैपटॉप है वो Q2 से पहले अनाउंस होते हुए दिख जाएगा, सेल में भी चला ही जाएगा जुलाई से पहले पहले। और RTX 3050 यार अब ये नहीं समझ में आ रहा है, जो Acer है ना वो 2021 में उसको आग लग रखी है, इतने सारे लैपटॉप सबसे पहले लॉन्च कर रही है, राइजन 5000 सीरीज वाला भी कर दिया उन्होंने, RTX 3060 वाला भी कर दिया उन्होंने, अभी बजट में भी जो है राइजन 5 5600H लॉन्च कर दिया है। अब ये देखना बाकी होगा कि HP Omen पहले आएगा RTX 3050 के साथ या Acer अपना कोई लैपटॉप ले आएगी, ये तो वक्त ही बताएगा। प्राइसिंग के बारे में हम लोग बात कर रहे थे, जो हमें राइजन 5 5600H RTX 3050 के साथ मिलेगा वो 75,000 रुपीज़ से लेकर 90,000 रुपीज़ के बीच में होगा। राइजन 5 5600H के साथ RTX 3060 वाला जो वेरिएंट होगा वो 90,000 रुपये से लेकर 1 लाख रुपये के बीच में मिलेगा हमें, और जो राइजन 7 5800H के साथ RTX 3060 मिलेगा हमें वो 1 लाख से 1 लाख 10 हज़ार के बीच में मिलेगा। बाकी इंटेल वाले वेरिएंट के बारे में कोई खबर नहीं है, वैसे तो प्राइसिंग ऑलमोस्ट सिमिलर सी होगी, जैसे राइजन 5 के साथ i5 हो जाएगा और शायद राइजन 7 के साथ i7 हो जाएगा। बाकी मैंने AMD के वेरिएंट्स की प्राइसिंग आप लोगों को बता दी है, ये स्पेकुलेशंस हैं कि इस प्राइस के साथ आ सकता है, क्योंकि कंपटीशन ही इस प्राइस रेंज पर मिलेगा तो इसी प्राइस रेंज पर लॉन्च करने का भी फायदा है। बाकी तो अभी साल की शुरुआत है, अभी आगे आगे देखो कितने बढ़िया बढ़िया लैपटॉप आपको इंडिया में लॉन्च होते दिखेंगे। इस वीडियो के लिए रखते हैं, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ही है, वो तो है ना करते हो आप हर बारी, या नहीं करा सब्सक्राइब, चलाक वो तो यार तुम लोग सब्सक्राइब करो फटाफट से जाके, ऐसे काम नहीं चलेगा। बाकी यार मैं तुमसे वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए बाय।